नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पांच हजार से ज्यादा पुराने नोट जमा करवाने पर अब नहीं होगी पूछताछ। आरबीआई ने बंद किए जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तें दो दिन बाद ही वापस ले ली हैं। अब कहा गया है कि एक बार 5000 से ज्यादा के पुराने नोट अपने खातों में जमा करवाने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ये शर्तें केवाईसी पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में उसने कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के माध्यम से 5000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर लोगों को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं कराए। उनके जवाब को ऑडिट के लिए बैंक के रिकॉर्ड में रखे जाने की हिदायत दी गई थी। माना जा रहा है कि इस प्रावधान पर विपक्षी दलों के विरोध तथा जनता की व्यापक नाराजगी के मद्देनजर रिजर्व बैंक को नियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरी ओर, नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को ई भुगतान के जरिए वेतन देने का फैसला किया है और इसके लिए वह अध्यादेश लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसे नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नियोक्ताओं के पास वेतन का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आंध्र प्रदेश में एक सरकारी अधिकारी के ठिकाने पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता लगाया है। इसमें 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी, लाखों के नए नोट एवं जमीन जायदाद के दस्तावेज भी मिले हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। हिंदी की जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। चुनाव आयोग ने बनाई 200 कागजी राजनीतिक दलों की सूची, कसेगा शिकंजा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, तस्करों और आतंकवादी नेटवर्क का गठजोड़ खतरनाक। पेटीएम ने 7 और ग्राहकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, सीबीआई ने नए मामले दर्ज किए। बदलते नियमों के बीच कांग्रेस ने कहा, रिवर्स बैंक बन गया है रिजर्व बैंक। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।